कक्षा 12 के जीव विज्ञान के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ेंगे। सभी पौधे, सभी जंतु या सभी जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं या अपने ही जैसी संतान उत्पन्न कर लेते हैं, तो प्रजनन के द्वारा कर लेते हैं। प्रजनन दो प्रकार से हो सकता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, लेकिन यहाँ पर हम लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे और वो भी पुष्पीय पौधों में। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन या तो दो जीवों या दो पुष्पों की आवश्यकता, दो पौधों की आवश्यकता होगी। लैंगिक जनन में नर और मादा, नर के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा तो मादा के अंदर होगा मादा युग्मक, और ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलकर संयोजन करके युग्मनज का निर्माण करेंगे, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण से नया पौधा या नया जीव उत्पन्न होगा। तो नर पौधा या मादा पौधा, या ऐसा पौधा जिसमें नर और मादा जनन अंग दोनों हो, तो नर जनन अंग पौधे का नर युग्मकों का निर्माण करेगा, मादा जनन अंग मादा युग्मक का निर्माण करेगा। तो ये दोनों युग्मक संयोजन करके युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण नए पौधे को जन्म देगा। तो पौधों के नर और मादा जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले पुष्प की संरचना देखते हैं। यह है पुष्प। पुष्प जिस ब्रंथ के ऊपर लगा होता है तो उस ब्रंथ को पुष्प ब्रंथ बोलते हैं या पेडिसिल कहते हैं, और इसके ऊपर ये गुंबद के आकार की संरचना होती है जिसके ऊपर सारा का सारा पुष्प या पुष्प के सभी भाग स्थित होते हैं। इसे थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं, इसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के ऊपर पुष्प के चारों अंग स्थित होते हैं। तो सबसे भारी अंग जो होता है इसे भायदल पुंज कहते हैं या कैलेक्स कहते हैं। इसकी एक भुजा को या एक शाखा को भायदल कहते हैं या सेपल कहते हैं। चूंकि ये हरे रंग का होता है इसलिए पत्तियों के समान ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण कर सकता है। इसके अंदर से एक और चक्र निकलता है जिसे बोलते हैं दलपुंज या इसे कोरोला भी कहते हैं, और इसकी एक भुजा को पेटल कहते हैं। चूंकि ये रंगीन भाग होता है इसलिए ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है, कीट परागण के लिए। अब इस चक्र के अंदर तीसरा जो चक्र होता है उसे बोलते हैं पुमंग, और इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, भुजाएं होती हैं, सबको एक साथ पुमंग कहते हैं या एंड्रोसियम कहते हैं। और ये एंड्रोसियम पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, अर्थात इसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है, इसलिए इसे नर जनन अंग कहते हैं। तो ये सारी भुजाओं को एक साथ पुमंग कहते हैं, और इनमें से किसी एक भुजा को पुंकेसर कहते हैं या स्टेमन कहते हैं। ये सबसे अंदर वाला जो भाग होता है, जो थैलेमस के अंदर सबसे अंदर स्थित होता है, इस भाग को जायांग कहते हैं। जायांग मादा जनन अंग कहलाता है, इसे गाइनेशियम भी कहते हैं। तो ये मादा जनन अंग कहलाता है। तो ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग भी स्थित होता है और जायांग भी स्थित होता है, दोनों अंग होते हैं, नर और मादा जनन अंग होते हैं, वे पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक जनन अंग होता है, अर्थात
या तो पुमंग होता है या जायांग होता है, तो उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जिनमें या तो पुमंग स्थित होगा या उनमें जायांग स्थित होगा। तो ये फ्लावर की संरचना समझ में आई होगी सभी को। तो आवृतबीजी पौधों में पुष्प की संरचना का अध्ययन किया। एक बार फिर थोड़ा सा दोहराते हैं, पुष्प जिस ब्रंथ के ऊपर स्थित होता है उसे पुष्प ब्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुष्प ब्रंथ। और पुष्प ब्रंथ के ऊपर एक गुम्मत के आकार की संरचना होती है जिस पे पुष्प के सारे अंग स्थित होते हैं, जिसे पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। पुष्पासन के ऊपर सबसे बाहरी चक्र में भायदल पुंज होता है जो हरे रंग का होता है। चूंकि ये हरे रंग का होता है इसलिए पौधों की पत्तियों के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण भी कर सकता है। दूसरा चक्र फ्लावर का रंगीन होता है और सबसे बड़ा भाग होता है, और ये भाग कहलाता है दलपुंज, इसे कोरोला भी कहते हैं, और इसकी एक भुजा को पेटल कहते हैं। ये पौधे का रंगीन भाग होता है इसलिए ये परागण क्रिया के लिए, कीट परागण के लिए, कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। तीसरा चक्र पुष्प का नरजनन अंग कहलाता है, जिसे पुमंग कहते हैं या एंड्रोसियम कहते हैं, और इनमें से ये पुमंग इनमें से एक भुजा को पुंकेसर कहते हैं या स्टेमन कहते हैं। ये पुष्प का नरजनन अंग कहलाता है, अर्थात इसमें नर युग्मकों का या परागकणों का निर्माण होता है। सबसे आखिरी और सबसे अंदर वाला अंग जिसे बोलते हैं जायांग, इसे गायनेशियम भी कहते हैं, और ये गायनेशियम पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। तो इस तरह से ये पुष्प की संरचना हुई, और ये पुष्प की संरचना को आप बार बार चित्र बनाकर अभ्यास करें और इसको नामांकित करें। धन्यवाद।